Today we are going to study about English grammar. Our topic is interjections. Before starting my topic, I want to tell you some words and ask you some questions. Just like, oh no, congratulations, wow, hello. So ये जो words होते हैं, ये आप कब use करते हैं? And इन words को कहते क्या हैं? इन वर्ड्स को हम कहते हैं इंटरजेक्शंस. हिंदी में इनको कहते हैं विस्मयादि, बोधक या सूचक. जस्ट लाइक अभी मैंने कुछ वर्ड्स बोले, ओ नो, वाओ, कंग्रेचुलेशंस. सो क्या किया मैंने इन वर्ड्स से? आपको क्या पता चला? या तो मैं खुश हूँ, या फिर या मैं किसी को प्रेज कर रही हूँ, या कंग्रेचुलेशन मीन्स होता है हम किसी को बधाई दे रहे हैं. तो मैंने बहुत बड़ा सा सेंटेंस ना बोल के मैंने एक छोटा सा वर्ड बोला, कंग्रेचुलेशंस. ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इनको ही हम इंटरजेक्शंस कहते हैं. अब हम इसको स्टडी करेंगे डेफिनेशन के थ्रू. इंटरजेक्शंस आर स्मॉल वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ द स्पीकर. हु इज द स्पीकर हियर? आई एम. तो अभी जब मैं स्पीक कर रही थी, बात कर रही थी, मैंने कुछ वर्ड्स बोले जो कि मेरे इमोशंस को दिखाते हैं. आपको जो आपकी डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन भी आपके वही कह रही है दैट इंटरजेक्शंस आर स्मॉल वर्ड. इंटरजेक्शन वो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं दैट एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ द स्पीकर. जो स्पीकर की यानी जो वक्ता है, बोल रहा है, उसके इमोशंस को दिखाते हैं. अब वो इमोशंस आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सरप्राइज, प्लीजर, पिटी, जॉय और पेन. कोई स्पीकर सरप्राइज भी हो सकता है, आप किसी सिचुएशन में है, आप सरप्राइज भी हो सकते हैं उस समय. या प्लीज प्लीजर हो सकते हैं, आप किसी को यहाँ प्लीज है. पिटी मीन्स आप दुखी है, सैड है. जॉय मीन्स आप बहुत हैप्पी है. और पेन मीन्स जब आप सैड फील कर रहे होते हैं, या आप दुखी होते हैं, या किसी चीज से परेशान होते हैं. फेल तो ये सारी जो फीलिंग्स है, सडन फीलिंग्स, सरप्राइज, प्लीजर, पिटी, जॉय और पेन, ये सारी फीलिंग्स हम स्मॉल स्मॉल वर्ड्स के थ्रू जब हम उनको दिखाते हैं तो ये इनको कहते हैं हम इंटरजेक्शंस. एक और चीज आपको फॉलो करनी है इंटरजेक्शन. अब आप जब बोल रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया वाओ, कंग्रेचुलेशंस एंड ओ, अलाश, ये सारे वर्ड्स बोलकर तो आपको पता है. बट जब हम इनको राइट करते हैं तो आपको एक चीज हमेशा आपको फॉलो करनी है कि इनको राइट कर देता है दे ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. आप सबको पता है एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क. तो जब कभी भी आप इंटरजेक्शन का यूज करेंगे आपको इस मार्क का जरूर यूज करना है. इसके बिना ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा और ये आपका सही वर्ड नहीं होगा. एक बार और हम इसको रिवाइज करते हैं. इंटरजेक्शन आर स्मॉल वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ द स्पीकर. इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं, वो स्मॉल स्मॉल वर्ड्स होते हैं जो कि एक स्पीकर के इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं. अब वो इमोशंस आपके सरप्राइज, प्लीजर, पिटी, जॉय, पेन, ये सारे हो सकते हैं. नाउ आई टेल यू सम वर्ड्स जो हम जिनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं या फिर हम यूज करते हैं एज अ इंटरजेक्शन. मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, उसके मीनिंग बताऊंगी, देन वी विल फ्रेम सम सेंटेंसेस आल्सो. बट फर्स्टली राइट द डेफिनेशन एंड द एग्जांपल्स आल्सो. नाउ यू कैन सी दीज आर सम इंटरजेक्शंस एंड वेयर वी यूज दीज वर्ड्स एंड हाउ वी यूज in our sentences. Oh no, oh dear, alas. That means ye words, ye jo words hai, oh no, oh dear, alas, ye words hum shock ya jab hum unhappy hote hain, jab hum kisi cheez se shock ya fir unhappy feel karte hain. Just like iska use one use mein aapko one word bata rahi hu, oh dear, how you hurt yourself. सपोज करो कि आपके किसी फ्रेंड ने अपने आप को हर्ट कर लिया, जो उसको उसको लैग में लग गई, हैंड में लग गई है, तो आपको बुरा फील होगा ना कि उसको कैसे लग गई. तो वी यूज ओ डियर, हाउ यू हर्ट योरसेल्फ, ओ तुमने अपने आप को कैसे हर्ट कर लिया, कैसे चोट
जिस तरीके से बोल रही हूँ इससे आपको क्या लग रहा है कि जब आप बहुत खुश होते हैं हैप्पीनेस, जब हमें कैसी वाली फीलिंग आती है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है। मैं एक बार फिर से करूंगी, ग्रेट, हुरे, वंडरफुल, ये कैसी फीलिंग है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग। जब हम अचानक से हैप्पी फील करते हैं तो ये वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं या फिर हम इनका यूज करते हैं। अब इनका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, हुरे, वी वॉन द मैच। मान लो आप होलीडे है, आप मैच देख रहे हैं और सडनली क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड क्या होता है कि आपकी वाली टीम जो है वो जीत जाती है, और आपकी वाली टीम जब जीती तो क्या निकलता है, बोलते हैं वी वॉन द मैच, हम जीत गए। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कांग्रेचुलेशंस, एक्सीलेंट, ब्रावो। ये जो वर्ड है कांग्रेचुलेशंस, एक्सीलेंट, ब्रावो, ये वर्ड आप तब यूज करते हैं जब आप किसी को प्रेस करते हैं, यानी कि आप किसी को बधाई देते हैं, या फिर आप एक्साइटमेंट में यूज करते हैं, जब आप एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारा उत्सुक होते हैं, इसे यूज करेंगे आप। कांग्रेचुलेशंस, यू केम फर्स्ट इन द क्लास। सपोज योर क्लोज फ्रेंड केम फर्स्ट इन द क्लास, सो क्या करेंगे आप, तब आप उसे कांग्रेचुलेट करेंगे। और जिस इंटरजेक्शन का आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, आप उसे प्रेज कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन वैसा इंटरजेक्शन है प्रेज वाला। नेक्स्ट, हाय, हेलो, ओ। अब जब मैंने ये वर्ड बोले, हाय, हेलो, ओ, तो आपको कैसा लगा? आई फील सरप्राइज। जब हम सरप्राइज फील करते हैं, जब हम कैसा फील करते हैं, अचानक से हमें ऐसा लगा जो अनएक्सपेक्टेड हो गया, कुछ ऐसा जो हम एक्सपेक्टेड नहीं था, हमें हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और अचानक से कोई चीज हो जाती तब हम कहते हैं सरप्राइजिंगली। तो कभी कभी क्या होता है, जस्ट लाइक कि मेरी कोई फ्रेंड है और वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर रहती है, बहुत दूर रहती है, तो अचानक से अगर वो आ जाएगी तो मैं कहती हूँ या हाय ऐसे। तो जब हम सरप्राइज फील करते हैं, सरप्राइज जब होते हैं तो कुछ वर्ड यूज करते हैं, जस्ट लाइक आप हाय, हेलो, ओ। एक एग्जाम्पल, ओ व्हाट अ फॉगी डे। अभी आप लोग घर पर हैं क्योंकि हॉलीडे है, और हॉलीडे क्यों है, बिकॉज बहुत फॉगी फॉगी सा मौसम हो रहा है, बहुत ज्यादा फॉग हो रहा है चारों तरफ। जब आप जल्दी खिड़की खोलेंगे, ओ कितना फॉग है। आज सुबह की बात है, मैं सोच रही थी कि मौसम बहुत अच्छा सा है, बट हुआ क्या, इन द एंड बहुत ज्यादा फॉग। तो आई थॉट, ओ व्हाट अ फॉगी डे, कितना मतलब कितना ज्यादा फॉग है। सो मैंने आपको कुछ वर्ड बताए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका हम डेली में यूज भी करते हैं और वो इंटरजेक्शंस भी हैं। नाउ डू योर एक्सरसाइज व्हिच इज इन योर बुक्स। थैंक यू वेरी मच।